अकोला शहर में कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अकोला शहर में कोरोना वायरस के पेशेंट्स में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। आज सोमवार 22 जून को कुल 194 लोगों के स्वैब नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से कुल 51 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और 143 लोगों को कोरोना नेगेटिव पाया गया है। वहीं बासीटाकली शहर में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना रुग्णों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को प्राप्त रिपोर्ट में बासीटाकली शहर में फिर एक कोरोना पेशेंट पाया गया है, जिसके चलते बासीटाकली शहर में कोरोना रुग्णों की संख्या 6 पर पहुंच गई है। कोरोना का कहर बासीटाकली शहर में भी धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है। आज रिपोर्ट के अनुसार बासीटाकली के महान बाईपास रोड परिसर में एक 56 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमित पाए जाने से बासीटाकली शहर में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव पेशेंट की माहिती मिलते ही बासीटाकली के तहसीलदार गजानन हामन व स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मौके पर भेंट देकर वहां के कुछ परिसर को सील करने के आदेश दिए। वहीं कोरोना संक्रमित महिला के घर के 8 सदस्यों को बासीटाकली ग्रामीण रुग्णालय में आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन किया गया है। नगर पंचायत ने इस परिसर में दुनाशक फवारनी की है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के मेन गेट को सील किया गया है। बासीटाकली शहर में कोरोना का फैलाव ना हो, इसके लिए मुर्तजापुर के पुलिस उप विभागीय अधिकारी भोसले सर, उप विभागीय अधिकारी महसूल मोहिते पाटिल, बासीटाकली के तहसीलदार गजानन हामन, पुलिस निरीक्षक तिरुपति राणे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर महेश राठौर, मुख्य अधिकारी स्नेहल रहाटे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मनीष सहित अधिकारी वर्ग ने शहर में घूमकर नागरिकों से शासन के आदेश पर अमल करने की और कोरोना से अपने आप को और अपने परिवार को और अपने शहर को बचाने की विनती की है। हम भी शाहिद एंड अजल ग्रुप के माध्यम से नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि कोरोना इस महामारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए केंद्र शासन और राज्य शासन के निर्देशों पर अमल करें। बिना वजह घर से बाहर ना निकले, साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोए, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक ध्यान रखें, तभी कोरोना से बचना संभव है।